वेलकम बैक। प्रधानमंत्री मोदी आज करशे यूएन में संबोधन। वॉशिंग्टन थी न्यूयॉर्क पहुंचा छे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूएन की 74वीं महासभा में पीएम संबोधन। अफगानिस्तान जलवायु परिवर्तन अंगे थशे चर्चा। महासभा में कोरोना वैक्सीनेशन अंगे पण करवामां आवी शके छे चर्चा। तो साथे आतंकवाद मुद्दे पण यूएन में बोली शके छे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ना संबोधन में अफगानिस्तान में हाल की परिस्थिति ने ध्यान में राखीने आतंकवाद सामे लड़वाना पड़कारों साथे लड़वानी रणनीति पर भार मुकवामां आवी शके छे। यूएन में प्रधानमंत्री मोदी भाषण अंदाजे 20 मिनिट नु होई शके छे। तो प्रधानमंत्री मोदी संबोधन भारतीय समय प्रमाण आज सांजे 6:30 शुरू थशे। तो संबोधन बाद प्रधानमंत्री मोदी होटल पर फरशे अने पछी रात्रे 9:15 भारत आवा माटे तेओ रवाना थवाना छे। संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री मोदी आ चौथुं संबोधन हशे। आ पहला वर्ष 2014 में पीएम मोदी पहली बार यूएन में संबोधन कर्युं हतुं। तो वर्ष 2019 में पण पीएम मोदी संबोधन कर्युं हतुं। गत वर्ष एटले के 2020 में कोरोनाना कारणे वर्च्युअली संबोधन में जोड़ाया हता। यूएन में पाकिस्ताने फरी आलाप्यो छे काश्मीर राग। इमरान झेरीला भाषण पर भारते आप्यो छे जवाब। आतंक ने प्रोत्साहन आपे छे पाकिस्तान, भारते जड़बातोड़ जवाब आप्यो छे। आतंक ने रक्षण आपवू पाकिस्तान नो इतिहास छे। जम्मू काश्मीर भारत नो अभिन्न अंग छे अने रहेशे तेवुं कह्युं छे। पीओके पण भारत नो अभिन्न अने अविभाज्य अंग छे। तो सामाने शहीद माने छे पाकिस्तान, भारते आप्यो छे जवाब। अमे पाकिस्तानना ते अवैध कब्जा वाला क्षेत्रोने तरत ज खाली करवा माटे कहीए छीए। भारते कह्युं के अफसोस ए वातनो छे के आ पहली वार नथी के पाकिस्ताने अमारा देश सामे खोटा अने दुर्भावनापूर्ण प्रचार करवा माटे यूएनना प्लेटफॉर्मनो दुरुपयोग कर्यो छे। ते दुनियानुं ध्यान पोताना देशनी आ स्थितिथी हटावानी कोशिश करी रह्यो छे ज्यां आतंकवादी मफत पासनो आनंद लई रह्या छे। इमरान खाने कह्युं हतुं के अमे भारत साथे शांति इच्छीए छीए तथा वधुमां कह्युं के काश्मीरमां मुस्लिमो पर दमन थाय छे अने यूएन दखलगीरी करे तेवी मांग करी हती। The worst and most pervasive form of Islamophobia now rules India. The hate-filled Hinduvta ideology propagated by the fascist RSS BJP regime has unleashed a reign of fear and violence against India's 200 million Muslim strong community. We exercise our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country where terrorists enjoy free pass while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists.